आज जो है मैं आपको एक नगर सेवक का जो मुमरा के अंदर और एक काम जो है मैं उनका दिखाने की कोशिश करता हूँ। भारत गेट के सामने जैसे हीरा पाटिल जो है यहाँ के इस वक्त जो है ये नगर सेवक है और इनके एरिया का जो है जो भारत गेट के सामने से जो खड्डी रोड जाता है उस रोड के ऊपर काम चालू है रोड का। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से जो है वो रोड का काम हो रहा है वहां पर और कितनी एक लापरवाही कहा जाएगा इसका। मतलब कि ये बारिश का टाइम है और लोग जो है खड्डों में गिर के जो है टू व्हीलर वाले गाड़ी वालों का एक्सीडेंट हो जाता है। टू व्हीलर वाले बेचारे मर जाते हैं, बहुत एक्सीडेंट होते हैं। पूरा कीचड़ है ये, जो नाले का काम हुआ था और उसका जो कीचड़ निकला है वो कीचड़ जो है मतलब इसके अंदर पूरा मिक्स किया गया है और उसी कीचड़ का ये पूरा काम हो रहा है। और इतना होने के बाद भी ये हमारे जो जिम्मेदार है जो नगर सेवक जो हमारे एरिया के काम करने वाले हैं ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि खाली भूसा और जो है पत्थर जो है वो मिक्स करके और रोड के ऊपर बिछाया जा रहा है। आप सोचिए कि ऐसे एरिया या ऐसे एक जो रोड होता है उसका कहाँ से सुरक्षा माना जाएगा और ये कहाँ से ये डेवलप होएगा। तो आखिरकार एक चीज घूम फिर के उठ के आता है कि हमारे शहर के लिए इतना गवर्नमेंट जो है इतना फंड देती है, शहर के लिए हमारे गवर्नमेंट जो है इतना सुविधाएं देती है, तो आखिरकार ये पैसा सब जाते कहाँ है? कहीं किसी का बंगला बन रहा है, कहीं किसी का बिल्डिंग बन रही है। आज देखो कि नगर सेवक जो है एक इस तरीके से हो गया है जैसे कि कोई एक बहुत बड़ा उनका कोई इतना बड़ा कारोबार है कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं। तो ऐसे ही ऐसे ही जो काम है ये कर करके और बाकी का पैसा ये लोग हड़प जाते हैं। आप खुद देखिए और जनता को फैसला करना है कि आगे आने वाले वक्त में इनका क्या करना है। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँगा, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए और अगर फेसबुक देख उसको आप लाइक करिए।